New Zealand completed a series sweep with a 7-wicket win inside 3 days in the second test in Christchurch against World No. 1 India. The Kane Williamson-led squad chased down 132 in just 36 overs after India's second innings ended for 124 in less than an hour on the third day. NNIS speaks to former Indian cricketer Atul Wassan on what went wrong for India in the test series. मुझे तो काफ़ी निराशा हुई है क्योंकि मुझे लगता था कि हमारी टीम एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुकी है जहां जहां पे ज़्यादा कंडीशंस का फ़र्क होता नहीं है और हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ इतनी है कि हम अगर दो तीन प्लेयर इंजर्ड भी हो तब भी हमारे को ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, पर ऐसा हुआ नहीं है। T20 में भी अगर आप देखें जिसमें मैचेस हम जीते थे उसमें भी 3 मैचेस बिल्कुल न्यूजीलैंड ने हमें परोस के दे दिए थे, उसके बाद वनडे में एकदम से झटका लगा और टेस्ट सीरीज़ में तो बिल्कुल ही आपके जो हालत हुई है उससे लगता है कि आपने कंडीशंस बिल्कुल को सेट नहीं हुए कंडीशंस के साथ और आपने जो टीम सिलेक्शंस भी हैं मुझे लगता है थोड़ी सी उसमें भी मुझे दिक्कत नज़र आई है, थोड़ी गलतियां की हैं टीम मैनेजमेंट ने। केएल राहुल जो आपके सबसे बेहतरीन बल्लेबाज नज़र आए थे T20 और ODIs में, उनको आपने नहीं खिलाया और फिर आपने पृथ्वी शॉ एक नए खिलाड़ी को वहाँ मौका दिया जो कमबैक कर रहे हैं, हालांकि अच्छा खेल रहे थे पहले, पर इस प्रेशर में इस इन कंडीशंस में अगर केएल राहुल जो कि फॉर्म में थे एक नेचुरल ओपनर हैं उन्हें खिलाया जाता तो कहीं बेहतर रहता। साथ ही में ऋषभ पंत को पहले 5 मैचेस नहीं खिलाए उन्होंने और 8 मैचेस नहीं खेले, वो बैठे रहे वहाँ पे और उसके बाद आपने टेस्ट मैचेस खिला दिए सीधा, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतने दिनों से आपने उनको बेंच पे बिठाया है तो रॉन्ग टीम सिलेक्शन, क्योंकि रिद्धमान साहा बेटर इक्विप्ड है टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए। नहीं नहीं मुझे लगता है कि कलेक्टिव है, बल्लेबाजों की खराब फॉर्म नहीं है, बल्लेबाजों का मुझे लगता है कि एडजस्ट करना प्रॉब्लम रही है। आप हिंदुस्तान में जब मैचेस होते हैं आप एक तरफा मैच जीतते हैं कोई भी टीम आ जाए फिर हमें लगता था कि हम नंबर वन बन चुके हैं, पर ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि वो जो डोमिनेंस थी वर्ल्ड क्रिकेट में क्लाइव लॉयड की टीम की, रिकी पॉन्टिंग की टीम की, मार्क टेलर की टीम की, जो हर कंडीशन में जाकर जीतती थी, वैसी हालत हमारी अभी नहीं हुई है। हम इक्का दुक्का मैचेज एक आधी सीरीज इधर उधर जीतना शुरू कर दिया हमने, पर वो नियंत्रणता जो है जो हम अपने होम कंडीशंस में दिखाते हैं वो बाहर जब तक नहीं आएगी तब तक आप रियल मायने में नंबर वन टीम नहीं है। आई थिंक शांत द वे ही इज़ बिन बोलिंग फॉर द लास्ट कपल ऑफ सीजन, यू नो एक देर इज ऑलवेज दिस ग्रीडीनेस इन द टीम मैनेजमेंट के वी शुड यूटिलाइज द बोलर हु इज़ केपेबल ऑफ पिकिंग अ विकेट एंड दैट्स वाई ही वॉज हरिड इन टू इट। आई थिंक शांत ऑल्सो नोज दैट ही इज़ कमिंग टू द एंड ऑफ हिज करियर and he wants to get to this 100 test matches milestone. So I think but that should not be the case of selection for any team because it's a team sport. For personal milestones I don't agree with this but probably the temptation of playing Ishant who is in good form, good rhythm, and he did bowl well in the first match, not supported well enough by the other bowlers. I think there is enough rotation already because of the 3 formats, the core competencies of some players. There will be some players who are too good like Virat and Bumrah that you would tend to play them across formats. But I think if you see that a player is getting too much fatigued, and I think they are managing it pretty well.